Can you all hear me fine? गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। आप लोगों को कोई लॉगिन करने में परेशानी तो नहीं हुई? सीधा नो सर। लॉगिन था ना? यस सर। ठीक है, तो फिर वेट करते हैं बाकी लोगों का थोड़ी देर, ओके। और फिर वेट स्टार्ट करेंगे।
ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने फिल नहीं किया था। ये जो ब्लू वाले हैं इनको मैंने अपडेट कर दिया बेस्ड ऑन द टेलीग्राम मैसेज अभी, तो इसको फिल कर लेते हैं। अभिषेक, क्या स्टेटस है अभी? टोटल 37 है, टोटल 77 है, 37, सॉरी 37, 37। और तो एसएल ऑलमोस्ट 16, 16 है। आरओसी -5.94, माइनस 5.94. 5.94, ठीक है। अर्जुन क्लास में है क्या? नहीं है। भारत, भारत इज ऑल्सो नॉट देयर। भुवनेश्वर जी, क्या चल रहा सर अभी 2 दिन से मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, बाहर हूँ जरा। है? अच्छा, ठीक है। डैनियल अपडेट कर दिया है। गणेश, आपका ये कंप्लीट हो गया हाँ है ना? हाँ मेरा उधर 33% ही है, लेकिन 21 है ना वो, 33 है। 33 है, ठीक है। ओके, आपका ब्लॉक 3 इज ओवर। गिरीश नॉट इन क्लास। जगदीश अपडेट हो गया। मनोरंजन जी, क्या स्टेटस है? फोर ट्रेड हुआ है लास्ट दिस वीक, ओके, और इसमें नो स्टॉप लॉस। तो 50 मतलब 40, तो इस ये कुछ हुआ है मतलब 40 के बाद? हाँ उसके बाद हुआ है, उसको हम थोड़ा कैलकुलेट करके ठीक है, बताएंगे कर आप। लीजिए, कोई बात। मृत्युंजय अपडेट कर दिया है। नरेन, नरेन इज इट 30 एंड 5? हेलो सर, इट्स 30 एंड 6। 30 एंड 6, ओके, ठीक है, थैंक यू। राजेश, हाँ सर, 28, 28, 6 ऐड हुआ है। ओके, सिक्स सर, 6 है, यस सर। और आवासीय हो गया इधर 52%, 52, ठीक है, यस। ठीक है, अभी 2 कर लो आराम से, ठीक से, ठीक है, उसके हाँ बाद। सर, एक्चुअली मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से मैं सर रहूंगा महीना, तो आप सर यहाँ मेंशन कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए मैं नहीं रहूंगा, सर अगले हफ्ते नहीं रहोगे? 2 हफ्ता आप नहीं हो सर, मतलब दो कभी। हफ्ते? जी हाँ जी हाँ, 29 को आऊंगा मैं सर। अच्छा, ठीक है। रमेश जी अपडेटेड। शांतनु, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओके, कांट हियर यू। आप लिख के बता दीजिए बेशक। ओके, लिख दिया आपने। टोटल 25, SL3, 25, 347 चल रहा है अभी आपका। ये जो 47 है, ये 20 के ऊपर वालों का है या मतलब कैसे है? मतलब ब्लॉक 2 कंप्लीट्स विद 20, ये 47 उसके बाद का है या इसमें पहले का भी कुछ है? ये एक बार देख के मुझे बता देना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ अभी। विपुल, यस सर, हाँ, क्या स्टेटस है? हेलो,
सर वो 35 है टोटल और 35 और 7 है 7% सॉरी 7 स्टॉप लॉसेस और कितना हो गया होगा 13% रिटर्न है ठीक विशाल अच्छा 19 ही हो बराबर ठीक ठीक है वेरी गुड ऑलराइट ओके एनी क्वेश्चंस बिफोर वी मूव आज एक टॉपिक हमें करना है सर मंथली ब्रेकअप में चार स्टॉक्स आए हैं इससे थोड़ा मुझे रेंज ब्रेकआउट पे थोड़ा डाउट था हाँ कौन कौन इसको साइडवेज एशियन पेंट एचसीएलटेक एचडीएफसी बैंक एंड टीसीएस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के मंथली ब्रेकआउट में आए ठीक है एशियन पेंट तो हाँ एशियन पेंट एचसीएलटेक ठीक है एचडीएफसी बैंक ओके टीसीएस एंड टीसीएस तो इनका जो ब्रेकआउट हुआ है वो कैसे कंसिडर करना है ओके पॉइंट क्या रहेगा ओके अभी लास्ट मंथ ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं पे है राइट अभी लास्ट मंथ यहाँ कहीं पे है और इसमें जो मंथली ब्रेकआउट आया है वो कब आया है ये वाले दिन पे सर डिलीवरी आया ओनली डिलीवरी आया डिलीवरी आया मतलब डिलीवरी ब्रेकआउट हो गया यस सर 4th अप्रैल ओके और ये बाहर है ना रेंज के ओके ठीक है मंथली रेंज के बाहरी हिस्से में मतलब जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उस दिन रेंज को बाहर टच करके आया है हाँ मतलब बाहरी हिस्से में ब्रेकआउट हुआ है तो अगर बाहरी हिस्से में ब्रेकआउट हुआ है तो आपको रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ये मतलब हमारा हाइपोथेसिस रहेगा ठीक है okay. और इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे हुआ है और पिछले महीने का जो मेरे ख्याल से जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो शायद ये वाला होगा 28 तारीख का शायद ठीक मतलब ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है वो किसी तारीख के डेटा पे हुआ होगा ना हाँ यस सर ठीक है तो ये वो शायद कैंडल है तो इस कैंडल का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इस वाले का ठीक है सर उसी के हाई पे टकरा के ये बार बार उछलने की कोशिश कर रहा है हाँ बार बार कोशिश कर रहा है पर एक्चुअली ये आज अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में इसमें 20 रुपीज के वो है ना क्या बोलते हैं आपका स्ट्राइक प्राइस अगर आप एक्चुअली 10.50 होना चाहिए अगर आप HCL टेक्नोलॉजीज को ओपन करें और यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस चेन को देखते हैं तो देख रहे हैं 800, 820, 40, 60, 80, 920, 40, 60, 1000, 1020, 40, 60, 80 तो एवरी 20 रुपीज पे इसका एक नेचुरल मतलब डिस्क्राइब्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस है राइट तो इसका मतलब हुआ ये वाला अगर ओपनिंग प्राइस देखोगे तो ये 1051 पे है ना लेफ्ट हैंड साइड डेटा बॉक्स में देखो यस सर ठीक है 1051.40 राइट तो इसके ऊपर का जो नेचुरल लेवल हुआ वो 1060 हुआ एक
राइट ठीक है, और एक 1080 हुआ ये आप देख रहे हो कि ये 1080 को ब्रेकआउट किया है राइट इस वाले दिन पे करेक्ट। तो अगर इन सब लाइंस को हटा दूं अभी तो आपको लगता है कि ये वाला जो दिन था जो पिछला जो हाईएस्ट वॉल्यूम था जिस दिन राइट उस दिन पे 1080 ब्रेकआउट हुआ था करेक्ट। 1080 ब्रेकआउट होने के बाद ये 1060 पे वापस नहीं गया राइट यस सर। आपको एक रेलेवेंस दिख रहा है यहाँ पे 1080 का यस सर ठीक है। अभी इसके बाद ये होते 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 यहां तक गया है तो मान लो 1120 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक है। तो इस दिन का जो क्लोज है वो ऐसे लग रहा है कि 1120 पे है राइट ये वाला यस ठीक है। और yes, अगर हम इसका मंथली क्लोजिंग देखें तो मंथली क्लोजिंग के हिसाब से 1080 के ऊपर का क्लोजिंग है राइट ओके यस। 1100 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं है, 1080 के ऊपर का क्लोजिंग है। अभी अगर यहां पे देखोगे तो ये 1020 पे सेल ऑफ हुआ है ठीक है ओके। 1020 पे एक्चुअली इसका रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है राइट। जब ये डेवलप हुआ है तो ये पिछले वाले रेंज पे वापस आया, ये देखो यस 1080 ये इसका करंट रेंज है दिस इज द करंट रेंज ऑफ दिस गाय HCL Tech। अभी ये ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है राइट right? तो 1120 के ऊपर का लेवल क्या होता है, एक 1140 ना यस सर ठीक है। तो 1140 के कॉल को हम मॉनिटर कर सकते हैं ओके हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि ये 1120 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर, क्योंकि यहीं पे शॉर्ट डेवलप हुआ है ना देखो करेक्ट। 1140 पे नहीं गया, इसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ नहीं ना, नहीं हो गया ना, वो कह रहा है कि डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ। अच्छा मंथली लेकिन वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, डिलीवरी हो गया है ना, सेकंड पी हो गया तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, कोई इतना मतलब कोई इशू नहीं है। अगर पोजीशन ब्रेकआउट हो गया है तो पार्टिसिपेशन आ ही जाएगा ठीक है। अभी अगर इस वाले लेवल को हम स्टडी करेंगे तो ये कहां पे ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था 1050 पे राइट। तो 1040 यहां पे कर देता हूं 1040 ये सपोर्ट लेवल है इसका, सपोर्ट लेवल है मतलब कि अगर इससे नीचे गिर गया ना 1040 से तो बेयरिश हो जाएगा ओके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है ठीक है, मैं इसको क्लब कर दे रहा हूं, जो आज मैं पढ़ाने वाला था उसी के साथ यही एग्जांपल लेके करा दे रहा हूं ठीक है, कि जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था पिछले महीने का जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, आप ये देखिए कि उसका ब्रेकआउट कौन से लेवल पे हुआ है। अभी इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 1083 लेवल पे मतलब 1080 के लेवल पे इसको ब्रेकआउट किया गया था और उसके बाद क्लोजिंग ऊपर ही हुआ ना 1080 का, इट क्लोज स्ट्रांग मतलब अबव दिस लेवल। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये इस महीने के लिए सपोर्ट होल्ड होना चाहिए ठीक है। और इस ब्रेकआउट से पहले का जो लेवल था वो 1040 का था, इसका मतलब है कि इस महीने में 1040 पर रिटर्न नहीं करना चाहिए ओके। और ब्रेकआउट लेवल कौन सा होगा, ब्रेकआउट लेवल होगा 1120 ठीक है। इसको जो हमें ट्रेड करना है, इसको ट्रेड करना है 1120 के ऊपर जो लेवल है 1140 के लिए। अगर 1140 का कॉल प्राइस एक्सपेंसिव होने लगता है राइट, क्योंकि अब संभावना नहीं है ना, आप देखो 1120 पे इतनी शॉर्टिंग है कि 1140 का कॉल बढ़ेगा नहीं
डेरिवेटिव्स में। यस सर। अगर वो बढ़ने लगता है तो वो चमत्कार है। ओके तो अगर वो उसमें हायर हाई हायर लोज बनने लग जाते हैं, इसका मतलब ये तैयारी कर रहा है ऊपर 1120 को ब्रेकआउट करने की, मतलब इसको ब्रेक कर देगा एकदम बहुत तेजी के साथ ऊपर चला जाएगा। अच्छा दूसरा चीज है, इसको मॉनिटर करना है HCL टेक। इसका डेट नहीं आया क्या? नहीं सर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ शायद। इसका डेट नहीं आया मेरे ख्याल से, राइट? ठीक है, इसका जब भी डेट आ जाता है, अभी इस महीने में तो है नहीं मेरे ख्याल से, देयर इज नथिंग राइट? हाँ तो इस महीने में अगर नहीं है नहीं है, तो अगर इस महीने में नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। अदरवाइज वो वाला दिन जो होता है उस दिन पे ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट जो लेवल है वो 11,040 का है, पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप 11,020 का टारगेट लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। आप ये कैश का बोल रहे हैं 1120? हाँ कैश का ही बोल रहा हूँ। मान लो आप इसको इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक लेवल है ना, ये वाला, ठीक है? यस सर। अगर ये एक लेवल है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इस वाली जगह से अब ये हायर हाई हायर लो बनाना चाहिए, राइट? अब अगर ये हायर हाई हायर लो बनाता है, या मान लो कि कल इसमें रिवर्स मतलब वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाता है, मान लो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है, हाई नहीं बनाता है पर लो भी नहीं तोड़ता और ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो दिमाग में क्या घूमेगा कि शायद ये यहां से सपोर्ट लेके पलट जाएगा, राइट? क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने से पहले वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, करेक्ट? और इस वाले लेवल से अगर आप देखो तो ये कॉन्टिन्यूसली 3 candles है, राइट? रेड कलर के। yes. इसका मतलब इसी जगह पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है इस लेवल के बीच में, ओके? अब अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो गया ना। Correct. तो दिमाग में ये आएगा कि शायद अब वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो आप उसका इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, राइट? अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपका मैक्सिमम टारगेट जो है वो 1120 पे रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि बार बार सेल ऑफ हुआ है यहाँ पे इस वाली जगह पे। ठीक है, ओके सर। हेलो, हेलो सर, ये 1120 जो आपने मार्क किया ना, ये मतलब किस दिन से, मतलब आपने वो मतलब कैसे पकड़ा वो? नहीं, मैंने ये देखा कि इसमें ये वाला क्लोज मुझे जो दिख रहा है ना 3 तारीख का, रिपोर्ट खोल लेते हैं। मान लो HCL टेक गेट,
नहीं रहा। ओके चल गया। 3 तारीख राइट, 3 तारीख को देखते हैं इसका कोई लास्ट प्राइस आया, 1020 नहीं आया ना, तो इसका हाई कहां तक गया है ये देखो ना, 1133 तक गया, 1140 कोई नहीं गया अभी तक राइट, 1133 तक गया राइट। अब अगर 1133 तक गया है इसका मतलब 1120 को बार बार टच करके वापस आया है, वही दिख रहा है ना हमको? हाँ, यस सर। तो उस हिसाब से लाइन बना दिया। अब मान लो कि अगर ये टचिंग 1140 को कर देता ठीक है, तो हम उस वाले लेवल पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके 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 सर। ओके अभी से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स को ओपन कर रहा हूं, ओके अभी एक बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस वाले दिन पे ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट शायद इस वाले दिन का हुआ है, 5th ऑफ इसका ठीक है, तो ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था तो ये था 5 तारीख, 5 तारीख यहाँ पे है। अब टाटा मोटर्स पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे अगर आप जाओगे ठीक है, और यहां से अगर हम ऑप्शंस चेन ओपन करें, काफी स्लो हो गया है ना, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ठीक से। चलो छोड़ो, यहां से दिखा दे रहा हूं ठीक है। अभी अगर मान लो टाटा मोटर्स लेता हूं यहां से ठीक है, ये आपको हर 5 रुपए पे दिख रहा है? हाँ यस सर ठीक है। हाँ उसका स्प्रेड, हाँ बराबर। ओके तो इसका मतलब हुआ कि टाटा मोटर्स इज देयर एवरी 5 रुपीज। अब इसको अगर हम देखेंगे 5 तारीख को ठीक है, तो रफली अपने को समझ में आएगा कि 190 के लेवल को ब्रेक किया है इसने राइट। ठीक है, 190 के लेवल को ब्रेक करके, ब्रेक हो करके अगर आप देखो तो यहां पे क्लोजिंग दिया इस वाली जगह पे राइट। Yes. तो बियरिश है ना, मतलब इस लाइन बियरिश इन द सेंस कि मतलब इस लाइन के नीचे दिया है, नीचे दिया है राइट सर, राइट नीचे दिया। 190 के ऊपर का लेवल क्या होता है? 195। हाँ ठीक है, 190 पे ये क्लियर ब्रेकआउट था और उसके बाद ये कहीं यहां कहीं पे क्लोज हुआ है, तो इसके ऊपर का लेवल होता है 195। 195 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना। हाँ हाँ यस सर ठीक है, इसी तरह से 195 के लेवल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, देख रहे हो आप? ये जो ऐसे घुमा है ये ऊपर क्यों गया इतना तेजी से, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके ओके हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, इस वजह से इतना तेजी के साथ ये ऊपर बढ़ा है। तो 200 का भी लेवल तो हो सकता है वो? हाँ 200 का लेवल भी हो सकता है, हम बस वो क्लोजिंग को देख लेते हैं, हमें एप्रोप्रिएट
मतलब एक अप्रोक्सीमेट एरिया हमें पता लग जाता। मान लो कि इसी को अगर 200 पे कर दोगे आप, क्योंकि 200 का लेवल कभी अचीव ही नहीं हुआ, ये वाला सपोर्ट यहीं पे देख रहे हो आप, ये देखिए ये ऐसे आया क्योंकि वो लेवल ही कभी अचीव नहीं हुआ इस महीने में, सो इट इज अ न्यू लेवल फॉर इट। तो इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 205 से सेल ऑफ हुआ होगा, ठीक है, ये 205 का लेवल है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है जो भी है, 210 को टच नहीं किया यहां पे, राइट, वॉलेटिलिटी बढ़ गया इस वाली जगह पे, देखो यस सर, इस वाली जगह पे जो वॉलेटिलिटी बढ़ गया तो यहां से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, मतलब वॉलेटिलिटी घट गया, राइट, इस वाली जगह पे, राइट, एग्जैक्टली जो चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि मतलब शायद इस लेवल पे एक सपोर्ट आना चाहिए, अगर आ जाता है तो फिर इसको इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, यही बोल रहा हूं ना मैं, यस सर, एग्जैक्टली वही चीज है, द ओनली थिंग इज इसमें ब्रेकआउट भी हो गया, राइट, आप देख लीजिए कहाँ है ये, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर, ओके, अभी ये जो चीज हम पढ़ाई कर रहे थे अभी, ठीक है, अब मान लो इसी को ले लेते हैं HCL Tech को, ठीक है, अब HCL Tech में मान लो कि मार्च का डेटा निकालता हूं सबसे पहले, ओके, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ओके ये आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में काम आएगा, ओके ये जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस आपका नॉर्मल ट्रेडिंग तो इंप्रूव हो गई, प्लस दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये आप लोगों का भी ऐसे ही चल रहा है क्या, देखना एक बार, गुड इवनिंग मृत्युंजय, ये आपके सिस्टम में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, हाँ सर सेम चल रहा है सर, है ना, इसका मतलब अपडेशन हो रहा है शायद, कोई देखते हैं, तो वेट कर सर आ जाता है वो, हाँ आ तो जाएगा, वही लेटेंसी बढ़ गया होगा ना इनका, हाँ सर मेरे इसमें पास्ट वाले टैब में आ गया, अच्छा वाले में है, पास्ट वाले में, फॉर पास्ट वन वीक वन मंथ 15 डेज, इस वाले में
ओके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे आ गया, ओके। अभी मान लेते हैं एक बार, चलो फरवरी का लेते हैं डिलीट। तो ये फरवरी का 1 तारीख से 28 तारीख का डेटा है, ठीक है, और ये मार्च का डेटा है, ये वाला कट कट करके इसको मैं एक दूसरे इसमें पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फरवरी का भी आ गया और इसका भी आ गया, राइट। ये फरवरी का आ गया और ये इसमें अप्रैल कहाँ चला गया भाई? ओह अच्छा, गलत किया था क्या कुछ? डिलीट। ओके तो ये फेब का डेटा है ना, 1 तारीख से लेके आखिरी दिन तक, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये लास्ट प्राइस है ना इसका, अभी मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैक्स और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हाईएस्ट क्लोज प्राइस है, मानते हो? हाईएस्ट लास्ट प्राइस जो है इस महीने का वो ये है, ये वाला नंबर। और इसी तरह से एक लोएस्ट लास्ट प्राइस भी होगा कि सबसे कम क्लोजिंग कहां पे किया था, सेम इसी तरीके से, ठीक है। ओके ये आ गया 1041 नीचे और ऊपर कितना है 1080, फरवरी का डेटा है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है ना कि हर 20-20 रुपए पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, राइट। इसका मतलब हुआ, आपको लगता है कि 1083 पे इसने क्लोजिंग दिया था, जो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दिया था, राइट। और उसके बाद जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है वो 1050 पे हुआ है, राइट। तो इसके और इसके बीच में हुआ है कहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टॉप मोस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो 1080 का था जिससे ये सेल ऑफ हुआ, और नीचे जो था वो 1041 पे क्लोजिंग किया है, राइट। तो 1060, ठीक है, क्योंकि 60 के नीचे क्लोजिंग किया है, 40 के नीचे क्लोजिंग नहीं किया है कोई, ठीक है। तो ये 1060 से 1080 इज द रेंज, है ना, इनमें क्लोजिंग हो चुकी है, राइट। क्या आपको लगता है कि ये वाला जो क्लोजिंग है ये 1060 के नीचे है? यस, राइट। अब इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे, क्या क्या लेवल थे, 1080, और 1060, ठीक है। तो ये इसका रेंज होगा और ये फरवरी का महीना है, और फरवरी में जब इसका क्लोजिंग हो गया तो ये क्लोजिंग इस वाली जगह पे हुआ, राइट, यहां पे हुआ। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा मतलब बेरिश है, ये एक रेजिस्टेंस फॉर्म करके नीचे क्लोज हो रहा है फरवरी में, राइट, करेक्ट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट शुड हैपन, दीज आर फर्म जोन्स, और फरवरी के महीने में हम देखेंगे कि इसका लोएस्ट लो कहां तक गया। इसका लोएस्ट लो गया 1026 पे, राइट। तो इसका मतलब 1040 इज द लेवल जिसको छू करके ये रिटर्न कर गया, राइट। तो 1040 पे नीचे का सपोर्ट,
क्योंकि इसने इसको छुआ है ना, और यहाँ पे देखते हैं ये 95 तक गया है, 1100 पे नहीं गया, तो इसका मतलब ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये एक बहुत फर्म लेवल है, क्योंकि आप देखिए 1080 के ऊपर नहीं जा पाया, मतलब जबरदस्त सेलिंग हुई है 1080 पे, मानते हो फरवरी में, एम आई राइट? ठीक है, यहां पे ये 1040 को छू करके वापस रिबाउंड करने की इसने कोशिश करी है, और इसने क्लोजिंग भी 1040 के ऊपर ही दी है, सब मानते हो? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1040 का जो लेवल है यहां पे, इस वाली जगह पे 1040 का जो लेवल है, इसके नीचे गिरना चाहिए ना, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, करेक्ट? अब ये देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे होते हैं, आप देखो, आप ये ऐसे करके ऊपर आ रहा है, 1040 का जो लेवल है ये मार्च में इससे नीचे टूटा, ये वाला जगह देखिए आप, राइट? ये जैसे ही नीचे टूटा है, आपको लगता है कितना समय लगा इसको मार्च में इस एरिया में ही बिताता रहा, 1040 के नीचे ही रहा, एम आई राइट? ये देखिए, ओके, और उसके बाद फैग एंड लास्ट टू डेज में इस फर्म रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, एम आई राइट? ओके, इस समय जिसको ब्रेकआउट किया है ये वहीं पे है, यस सर। ठीक है, अब अगर यहां से वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है, इस लेवल को ये ऊपर मूव कर सकता है? ठीक है, अभी आपको किस चीज पर ध्यान देना है, आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि जब ये वाला लेवल फॉर्म हुआ, ये वाला, ठीक है, तो फरवरी में कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट एक आ, 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 एरिया भी बना होगा ना, राइट? चलो हमने तो डाउनलोड किया हुआ है, फरवरी में ये डिलीवरी क्वांटिटी है ना, राइट? अगर इस डिलीवरी क्वांटिटी को देखेंगे फरवरी के महीने में, तो अपने को समझ में आएगा ये सबसे ज्यादा डिलीवरीज बनी है ना यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर यहां पे नजर आ रहा है 28th ऑफ फरवरी को, एम आई राइट? अब देखिएगा, ट्वेंटी एट ऑफ फरवरी को जब ये इतना बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम अगर यहां पे, मतलब जो मैक्सिमम डिलीवरी वॉल्यूम उस महीने का 28 फरवरी को अगर आया है, तो 28 फरवरी का जो डिलीवरी वॉल्यूम है यहां पे ओपनिंग दिया है 1069 पे, और रफली क्लोजिंग दिया है 1053 पे, राइट? तो इसका मतलब है 1060 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ा है, यस करेक्ट? 1060 को नीचे की तरफ तोड़ा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ओके? ये इसके इन बिटवीन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, और इससे पहले अगर इसका हाई देखे 1095, मतलब 1080 के लेवल तक चढ़ा था इस महीने में, और यहां पे अगर हम देखें 1026 तक गया है, मतलब 1040 के लेवल तक नीचे गिरा है, करेक्ट? मैक्सिमम, सो
ये रेंज कंफर्म हो जाती है हमारी, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि अगर इस वाले जगह में, मान लो इस वाले जगह में मेरा एक मैक्सिमम वॉल्यूम पड़ा है 28 तारीख को, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कुछ शायद यहां पे है, राइट, इस वाली जगह पे है, ओके। अब इसको चेक कर लेते हैं, 13-3 के आसपास को चेक करते हैं। दो लाख सोलह, इससे ज्यादा है नहीं है, एक बार देख लें। अगर टू इस महीने में ब्रेक, सॉरी 28 मार्च 31.48 है यहाँ, ये 24 लाख है, ऑलमोस्ट 25 लाख, और ये वाला जो आप डेटा पॉइंट बता रहे हैं ये 23 लाख है, ठीक है, तो कम है, मतलब ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ सर, ठीक है। अब मान लो अगर ब्रेकआउट हो गया होता, मान लेते हैं एक बारी को, ठीक है, कि अगर इसमें ब्रेकआउट हो गया होता तो हम इन लेवल्स को इस्तेमाल करते। अभी क्या लग रहा था इसमें कि ये नीचे तो चल रहा है, अगर एक डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट आ जाता है तो हम शॉर्ट कर देंगे इसे, ठीक है, और हमारा लेवल कौन सा होगा, 1000 का, क्योंकि ये तब तक यहां तक नीचे गया हुआ ना, 1000, ओके, जो कि हुआ नहीं। अब मान लीजिए अभी अगर हम कह रहे हैं ना कि मार्च का, 28 मार्च का डिलीवरी वॉल्यूम हाईएस्ट है एंड दैट गॉट टेकन आउट ऑन 4th ऑफ अप्रैल, राइट, तो 28 मार्च को अगर हम देखें तो ये वाला है ना डेटा, तो इसने तो 1080 को ब्रेक किया, राइट, 1080 को ब्रेक किया इसने और 1060 को ब्रेक किया, और जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है वो ये वाला दिन है, ये हाई ओपन हुआ 18 और मान लो क्लोज हुआ ये, तो मतलब 1100 का लेवल है ये, राइट, दिस एक्चुअली वर्कड ऑन 1100 लेवल, ये जो लेवल है ये 1100 का है, राइट, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये वाला पिछले महीने का लेवल है, राइट, दिस ब्लू लाइन, ओके, ये वाला उससे पिछले महीने का लेवल है, जो यहां पे जो भी हुआ था, ये इस महीने का लेवल है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा, 1 2 3, वन टू थ्री। अब मुझे ये बताओ, yes, जब भी ब्रेकआउट होता है तो प्राइस का लेवल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है, ओके, तो ये क्या है, बुलिश है बेयरिश है? बुलिश है, गॉट इट, ठीक है, मतलब सर ये तीनों लाइनें 3 महीने के ब्रेकआउट लेवल पे है। हाँ, मान लो इसमें तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था, अगर इस वाले ब्रेकआउट को देखोगे और इस वाले ब्रेकआउट को देखोगे तो नया लेवल ऊपर है ना? यस सर, हाइपोथेसिस बुलिश, राइट सर, ठीक है, ओके, सपोर्ट लेवल इज दिस वन, मतलब आप एक टाइट नैरो रेंज में हो, 1100 से 1080 के रेंज में हो, प्राइस जितनी बार इसके नीचे जाएगा लोग इसको उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, करेक्ट, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 1080 का लेवल फरवरी से आया था ना, फरवरी से कंटिन्यू हुआ था, इसका जो हाईएस्ट लेवल था वो 1080 का था, राइट, कई बार क्या होता है आपको
ये पता नहीं चल पाता है देखने में विजुअली, क्योंकि कई बार आपको ये हाई के ऊपर नहीं दिखेगा, जो एक्चुअल प्राइस रेंज है उसके हाई के ऊपर नहीं दिखेगा, पर जो स्ट्राइक प्राइस है उसके क्लियरली ऊपर दिख रहा है आपको। यस राइट अगर आप इसका आखिरी दिन देखें 29 तारीख, ठीक है, ये हाई के ऊपर नहीं था, 26 फरवरी को क्लोजिंग नहीं दिया इसके हाई के ऊपर, पर क्या ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिया है? यस सर। इसका मतलब है इसने ब्रेकआउट पोजीशन में दिया है क्लोजिंग, राइट? अगर क्लोजिंग को इसने ब्रेकआउट पोजीशन में दिया है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर पुश होने की कोशिश कर रहा है ना। ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है, राइट? आप देखो पिछली बार भी जब ये 1080 पे आया था, इसका लो देखिए 1080.95, मतलब ब्रेक नहीं किया पर इसके करीब आया तो एकदम से लोगों ने उठा नहीं लिया था इसको, देखो। यस सर, यस सर, ठीक है कि एकदम से लोगों ने उठा लिया था। तो अभी ये 1080 पे अगर आया है, राइट, तो आपका हाइपोथेसिस इसमें रहेगा इस तरफ का, राइट, कि 1080 से अब ये 1100 के लेवल पे जाना चाहिए, विच इज रफली 20 रुपीज। तो अगर इसको मॉनिटर भी करते रहोगे जिस प्रोसीजर से आप करते हो, ठीक है, वन इंट्राडे ट्रेड एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में एक पोजिशनल ट्रेड भी आपको मिल पाए, ठीक है? यस सर। सुधार करने की जरूरत है क्या? वेट करेंगे। सॉरी, इसमें क्या करने की जरूरत है? हायर होने के लिए वेट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट ये कम से कम वॉलेटिलिटी चेंज होना? तो ओके ओके, देखो अभी हाई है ना, यहाँ पे देखो जब ये ऊपर गया था, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, ऊपर गया। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, ये अभी नीचे की डायरेक्शन में है। अब मान लो अगर यहाँ पे हरा बनता है, ओके ओके, तो इसका मतलब लो वॉलेटिलिटी हो गया, तो वॉलेटिलिटी ऊपर बढ़ सकता है ना फिर उसके बाद, तो उसको मॉनिटर कर सकते हो ना, करेक्ट? ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो टेल यू अबाउट कि स्ट्रेंथ बेसिस पे मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है स्टॉक्स का, राइट? अब मुझे बताइए अगर ये किसी कारण से 1040 को तोड़ जाता है, क्योंकि हमने यहां पे देखा था ना कि 1040 का यहां पे लो था, राइट, और अगर मार्च के महीने में देखें तो 1000, ये जो ब्रेकआउट हुआ है 1060, मतलब 1040 है ना इसके नीचे, इस वाले लेवल के नीचे 1040 चल रहा है। अगर ये 1040 को ब्रेक कर जाता है तो फिर हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में ये नीचे जाने की कोशिश करे, ठीक है? अभी पिछला फिस्कल क्वार्टर कौन सा था? मार्च वाला। मार्च, अप्रैल, मई तो चल रहा है, मतलब अप्रैल मई चल रहा है, अभी जनवरी फरवरी मार्च था, और उससे पहले का, उससे पहले अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर यहां से चालू हुआ, ओके, और मतलब पूरा जो क्वार्टर है अक्टूबर दिसंबर, राइट, और दिसंबर यहां पे खत्म हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं इसको देखूं, इस वाले इसको देखूं, तो ये मैक्सिमम कहां तक गया था इस वाले क्वार्टर में? इसका क्लोजिंग प्राइस वही 98 98 कुछ दिख रहा है, राइट, 1100 को टच किया है, राइट, और जो क्लोजिंग दिया है वो 1080 के ऊपर दिया है, तो
हम कह सकते हैं कि 1080 का जो भी लेवल है, ओके और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये लो गया है 930, मतलब 940, और ये क्लोजिंग कहाँ हुआ है, क्लोजिंग इज 4237, ठीक है 940। तो 940 तक का मूवमेंट हुआ था इस क्वार्टर में, ठीक है। कुछ रेलेवेंसेस आपको नजर आने लगे हैं? यस सर। ठीक है, और मतलब जो पिछला वाला क्वार्टर था जो 31 मार्च को खत्म हुआ, जब वो 31 मार्च को खत्म हुआ, आपको लगता नहीं है कि इसने पिछले क्वार्टर के पूरे रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दिया? यस। इसका मतलब पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा था बुरा था? अच्छा था। ओके गॉट इट। तो समझ में आने लगा है कि अच्छा चलो इसका मतलब शायद अच्छे रिजल्ट्स देने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। ओके तो ओवरऑल रेंज ऐसा है, ठीक है, इस लेवल के नीचे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तो नीचे गिर सकता है, और अगर इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ता है तो ऊपर जा सकता है, करेक्ट? ओके कोइंसिडेंटली इस क्वार्टर के जो लेवल्स है वो हूबहू बराबर वही हैं, सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें, राइट? यहां से जो गिरा था वो 940 तक ही गया था, 940 से ही चढ़ के ये 1080 पे आया है, ठीक है, जो भी 120 रुपए ऊपर आया है। ये पहली बार है कि इसने क्वार्टरली बेसिस पे जो क्लोजिंग दी है वो पिछले स्ट्रॉन्ग एरिया के उस पे दी है। हालांकि इस वाले क्वार्टर को अगर आप देखोगे, जो भी क्वार्टर एंडिंग यहां पे हुई है, तो इसमें ये 1020 तक गया है, राइट? और अगर इसको देखो तो इसका क्लोजिंग 1016, मतलब 1100 पे एक इस क्वार्टर का रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अपने को दिख रहा है, ये वाला, राइट? ये वाली जगह, ठीक है। तो यहां पे भी आपको रेलेवेंस कुछ दिखने लगा है कि दो पीपल वर एक्सट्रीमली ओके बाइंग फ्रॉम द लोस, क्योंकि मार्केट वॉज गोइंग अप, राइट? पीपल आर लिटिल रिलक्टेंट बाइंग इट फ्रॉम द हाइज, मेक सेंस? ये सुनो, ठीक है। अब ये तो हमने क्वार्टर वाटर पे किया, राइट? आप इसी काम को वीकली में कर सकते हैं, ओके। अब मान लो कोई एक हफ्ता हम मान लेंगे, किसी भी एक हफ्ते को ले लिया, मान लो ये वाला हफ्ता अभी जो चल रहा है उसको ले लेते हैं। तो अभी तो 1 2 3 4 5, ये तो रनिंग वीक है ये वाला, ठीक है, ये लास्ट वीक था ना, 1 2 3 4 5, और उससे पहले का वीक कहां था, 1 2 3 4 5, करेक्ट, राइट? अभी अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि 1 2 3 4 5, ये वाला जो वीक है, ये जो 5 दिन का वीक है, इसका जो रेंज था वो कहां से कहां तक था? दिस हाई इज 1120, तो वीकली पर्सपेक्टिव से 1120 पे शॉर्टिंग हुई है, राइट? और ये जो लो है 81 82, तो इसका मतलब 1100, ठीक है, ये रेंज है। अभी इस हफ्ते में जो भी हुआ, आपको लगता है कि ये सटीक रेजिस्टेंस लेवल से ही इसने रेजिस्टेंस लिया लास्ट वीक में,
राइट, क्योंकि एक दो तीन चार पांच, तो तीन चार पांच, हाँ ठीक है। इसका जो क्लोजिंग हुआ था वो नीचे हुआ था, उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लगा, दो द मार्केट्स आर वेरी बुलिश, इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, एम आई राइट, और वापस आकर के इस लेवल के नीचे ही क्लोज हो गया, ये जो ये वाला लेवल है जो भी इसने एस्टैब्लिश किया था लास्ट वीक में, इसकी ओपनिंग उसके नीचे से शुरू हुई, ऊपर गया, सटीक उसी रेजिस्टेंस लेवल से रिटर्न बैक किया और वापस आकर के जहां से चला था वहीं पे क्लोज कर दिया, एम आई राइट। ओके, इस महीने, इस वाले वीक में, अभी वाला जो वीक है राइट, उसमें आप मानते हो कि ये 1080 तक ट्रेवल किया है, यस राइट, तो ये एक्चुअली 1120 से लेकर के 1080 तक ट्रेवल किया है, क्या इसने पिछली रेंज को एक्सपेंड किया है? यस, लास्ट वीक का जो रेंज था वो 20 रुपए का था, इस हफ्ते का रेंज 40 रुपए का है, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप वो सब पुराने जमाने में आपने बॉलिंजर बैंड्स वगैरह सुना होगा ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता था राइट, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से क्या इसकी रेंज बड़ी नहीं हो रही, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है? यस सर, ठीक है। अभी अगर इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम डेवलप हो रहा है, ओके okay? अगर मोमेंटम डेवलप हो रहा है तो ये मोमेंटम एक दो तीन हफ्ते के लिए इंटैक्ट रहना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि पिछले हफ्ते में इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इस हफ्ते में इसमें एक्सपेंशन हुआ, ये 1120 के लेवल से लेकर के 1180 तक के लेवल तक ट्रैवल किया, राइट right? तो इसका मतलब मोमेंटम डेवलप हो रहा है, अगले हफ्ते में हो सकता है एक ट्रेड मिल जाएगा हमें, गॉट इट? यस सर, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज यूज और यूटिलाइज बाई ऑप्शन ट्रेडर्स, ठीक है, जो ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं उसमें इस तरह के प्राइस लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो रेंजेस का क्या बोलते हैं आपका, जो स्ट्राइक प्राइसेस का, इससे उन्हें पता लगता है कि कहां पे उनको कॉल शॉर्ट करना है या कहां पे उनको क्या बोलते हैं पुट शॉर्ट करना है। तो सर यही रेंजेस से हम ये भी पता कर सकते हैं ना कि मतलब अभी जैसे कोई ट्रेड करना है तो अभी नेक्स्ट लेवल उसका मतलब टारगेट कहाँ पे सेट करना है, वो भी तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ये आपका। लेकिन लास्ट वीक में आपने 1100 क्यों चुना, मतलब उसके नीचे भी गया था ना? नहीं, 1100 इसलिए चुना क्योंकि 80 तक तो गया ही नहीं ना, ये 80 तक गया था क्या इस हफ्ते में? नहीं सर, 81.5 से वापस आ गया था। वीकली के लिए हम हाई और लो के लेवल्स कंसीडर करेंगे, हाँ। और मंथली और क्वार्टरली के लिए क्लोज के लेवल्स। हेलो सर, हाँ जी, वीकली के लिए हाई और लो के लेवल्स कंसीडर करेंगे। बेसिकली क्या है, हम ना रेंज देखने की कोशिश करते हैं, ओके ओके। जब हम रेंज को देखने की कोशिश करते हैं तो हम, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार अगर इसको इस तरफ जाना है तो ये वॉल्यूम बढ़ा के इस डायरेक्शन में जाएगा ना, पर आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा था इस हफ्ते में तो प्राइस ऊपर की तरफ गया था, नीचे के डायरेक्शन yes. में नहीं गया था, फिर जैसे ही वॉल्यूम गिरने लगा तो प्राइस जो है वो टूटते 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 नीचे आ गया। अब जब यहां पे वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब इस वाले रेंज के ऊपर एक इंट्राडे रेंज बना करके इसको ब्रेकआउट करना चाहिए ना ऊपर। मान लो करेक्ट, ये 1120 को हिट किया है राइट,
अब जब ये 1120 को हिट किया, अगले दिन की ओपनिंग 1120 के ऊपर होकर के एक छोटा सा रेंज बना के ऊपर नहीं टूटना चाहिए यस अगर बुलिश है तो, है ना। तो देखो ये जो टेक्निक आपको सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए फर्दर, राइट। अब जैसे काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं ना कि आपका स्टॉप लॉस आप कैसे, आप क्यों, इस तरह के सवाल, उसका रीजन ये है कि उसके पीछे कुछ ऐसे फंडामेंटल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो अभी जब इस हफ्ते का ट्रेडिंग शुरू हुआ तो दिमाग में क्या घुसने लगा कि यार जाना तो यार ऊपर ही चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा कि ये वॉल्यूम बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ा करके प्राइस ऐसे जाएगा और 1080 के नीचे टूट जाएगा, राइट। जब 1080 के नीचे टूट जाएगा, अगले दिन का ओपनिंग 1080 के नीचे होगा और एक छोटा सा रेंज इंट्राडे का बना करके उस सपोर्ट को नीचे तोड़ देगा, राइट, और हम उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और देखेंगे 10-20 रुपया निकाल लेंगे उसमें से, मेक सेंस, राइट। पर आप देखो यहां पे कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है, देखो यहां पे वॉल्यूम बढ़ा है ना, इफ यू सी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है तो उल्टी दिशा में चला गया। अब अगर उल्टी दिशा में चला गया है तो यहां पे ओपनिंग होकर के ऐसे ऊपर जाना चाहिए, अगले दिन देखिए मिसबिहेव कर गया, इसका मतलब क्या है, ये रेंज बाउंड है, इट इज साइडवेज, राइट, ओके। अब अगर आप देखो तो ये वहां से घूम करके वापस इसी वाले लेवल को तोड़ गया, इस वाले जगह को, राइट, ठीक है, बट विद रिड्यूस्ड दिस थिंग। अब मान लो अगर अगले दिन इसका जो ओपनिंग है ये नेगेटिव हो रहा है ना, राइट, एक इंट्राडे रेंज बना करके उस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ देगा तो शॉर्ट हो सकता है, राइट। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये उल्टा दिखा रहा है अपने को, तो इसको अगर ट्रेड करेंगे भी इसमें स्टॉप लॉस हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, गेटिंग माय पॉइंट। आप आज का इसका वॉलेटिलिटी देखिए, 1000 तक गया नहीं है, गया है ना, ये देखो वापस इसी लेवल 11,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां तक ट्रेवल किया है, ओके। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में वॉल्यूम बढ़ने से ये गिरता है किसी कारणवश, तो समझ में आएगा ना कि अच्छा चल यार 1080 के लेवल के नीचे टूटा है वॉल्यूम बढ़ने के बाद, राइट, और अब अगर ये 1080 के नीचे ही खुलता है इसको एक रेंज बनाने देंगे छोटा सा, और फिर अगर उसका सपोर्ट टूट जाता है तो विल सी इफ यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजिशन, राइट, कि देखेंगे 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अगर 10 रुपए निकाल सके, मेक सेंस ना, है ना। और स्ट्राइक प्राइसेस के जितना करीब मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड मतलब इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा उतना ही मेरे लिए फायदा ज्यादा, क्योंकि एक नेचुरल सपोर्ट या फिर एक नेचुरल रेजिस्टेंस भी तो पड़ा हुआ है ना वहां पे, है ना, इसलिए। Make sense, all of you? Chali, let's take a 5 minutes break and we'll continue.
All right, friends, I'm back. All of you back? Yes, sir. Okay. All right. तो अब एक सिनेरियो आपको मैं बताऊंगा, आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? एक सेकंड, पेन कहाँ गया? जैसे सर, आज जो पोजीशन, आज जो बना हीवा मोटर में, तो क्या उसको देख के पोजीशन बनाया जा सकता है? मतलब देखिए ओके अभी देखो, मान लो आप किसी चीज को बाई करना चाहते हो, राइट? उसमें ब्रेकआउट जितनी बार हो रहा है वो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? मान लो कि प्राइस में ब्रेकआउट हो जाता है, तो मैंने हमेशा बोला है ना, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। yes, मान लो अगर थ्री पीस जो हैं आपके, वो तीनों ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो स्ट्रेंथ तो वो बता रहा है, पर हम एकदम से कूदते नहीं है उस ट्रेड के अंदर, राइट? हम कोशिश करते हैं कि उसमें एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, राइट? अब मान लीजिए कि जब कुछ रिट्रेस कर रहा है, एक कोई स्ट्राइक प्राइस है एक्स, ओके, आप देखते हो कि एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है और वो इसको तोड़ जाता है नीचे की तरफ, ठीक है? जब ये यहां पे नीचे की तरफ तोड़ जाता है, तो मान लीजिए कि इसमें जो है इंक्रीज्ड वॉल्यूम और इंक्रीज डिलीवरी बनता है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि इसने मोस्ट लाइकली यहां पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया, राइट? अब मान लो दो तीन दिन इसमें कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है, ऐसे ऐसे यहां कहीं पे कुछ करता है, राइट? उसके बाद मान लीजिए ये इसको ऐसे बना देता है, और यहां पे भी इंक्रीज्ड वॉल्यूम और इंक्रीज डिलीवरी हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक्स लेवल है, यहां पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है? यस और नो? यस 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 सर। क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस को, राइट, इस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, राइट? नीचे की तरफ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या होना चाहिए? एक अगले स्ट्राइक प्राइस को भी ब्रेक कर जाना चाहिए, राइट? सिंपल है ना, गिर रहा है ना ये, तो फिर उसके अगले को भी ब्रेक कर जाना चाहिए, ऐसे ही चलते रहना चाहिए। पर ये अगर कहीं पे रुक जाता है, और हम जानते हैं कि ये बुलिश में है, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है। अब मान लीजिए अगर वो किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे आकर के इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिलीवरी के साथ उसको रिवर्स कर देता है, तो आपको लगता है कि ये मेरे एक्शन लिस्ट में चले जाना चाहिए फॉर, मतलब ये मेरे वॉच लिस्ट में चले जाना चाहिए फॉर अ बाय ट्रेड? यस सर, ठीक है ना? तो अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए टाटा मोटर का ये डेली चार्ट है, राइट? इसमें जब ये ब्रेकआउट आया ऐसे करके, तो इसने एक 200 का लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, राइट? अब हम जानते हैं कि मतलब कि मत करो यार, क्यों करना है, करेक्ट? इसको रिट्रेस होने दो, थोड़ा कहीं से तो सेल ऑफ होगा। अब मान लीजिए ये वाली जगह को आप देखिए, ये वाली जगह को, ये 205 के ऊपर तक गया और 205 से सेल ऑफ होके नीचे गिरा। यस, राइट? और आपको लगता है कि ये वाली जो जगह है इसमें वॉल्यूम बढ़ा है? अभी देख लेते हैं रिपोर्ट चल रहा है या नहीं, 8 और 9। ओके, 8 तारीख को और 9 तारीख को, राइट? 8 तारीख को ये गिरा, 8 तारीख को गिरा ना, चार को लास्ट प्राइस क्या था, 6,
लास्ट प्राइस है 585, 8 को गिरा है ये 201, यस करेक्ट, ये नीचे गिरा और उसके अगले दिन ये पलट के फिर 205 के ऊपर चला गया, यस सर, राइट। और इसमें एक पी का ब्रेकआउट हो गया, यहां पे देखिए देयर इज वन पी विच गॉट ब्रोकन आउट, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा कि यार ये 205 से गिरा था और पलट गया, तो एक सपोर्ट का शायद फॉर्मेशन हो गया यहां शायद, राइट। और अगर ये सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया है यहां पे 205 पे, तो अगले दिन इसको ऊपर ट्रैवल करना चाहिए, राइट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट ऑब्वियस लेवल होगा वो 210 215 का होगा, राइट। अब मैं इसको ओपन करता हूं, दस तारीख 205, अब जब ऐसा हुआ तो क्या ये 205 के ऊपर खुला इस दिन? देखो 205 के ऊपर खुला, राइट। अब ये मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा, मतलब हमें दिमाग में ये चलेगा कि मोस्ट लाइकली इसको शायद ऊपर ट्रेवल करना चाहिए, मेक सेंस, राइट। अब देखिए आपको लगता है यहां पे दो ग्रीन कैंडल दो रेड कैंडल फॉर्मेशन है इस वाली जगह पे, यहां पे जैसे रेड कैंडल्स हैं और फिर ग्रीन है फिर ये ऐसे है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहां कहीं पे वॉलेटिलिटी मेथड के हिसाब से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, राइट, यस और नो? यस, ठीक है। तो यहां कहीं पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद इस वाली जगह पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, आपको लगता है? यस सर, इस तरफ ब्रेकआउट है, मतलब आपके हाइपोथेसिस को कुछ कुछ करेक्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, राइट, यस, यहां पे ब्रेकआउट है। जब ये फॉर्मेशन हुई थी यहां तक इस वाली जगह तक, राइट, मैक्सिमम वॉल्यूम वॉज दिस मच, आपको लगता है कि जब ये इसको इधर पुश किया वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, राइट सर, ठीक है। तो वॉल्यूम पे भी आपको कुछ कॉन्फर्मेशन दिखने शुरू हो रहे है ना, वॉल्यूम पे भी आपको कुछ कॉन्फर्मेशन दिखने चालू हो रहे हैं इस वाली जगह पे, राइट। अभी पहला जो बड़ा सेल ऑफ आ रहा है वो यहां आ रहा है कहीं इस वाली जगह पे, यस, क्या लगता है आपको? ठीक है, ओके। अब yes, 500 स्टॉक हैं आपके पास, सब में तो ऐसा होगा नहीं ना रोज, जिनमें होगा उनको वॉचलिस्ट में एडिशन और मॉनिटरिंग किया जा सकता है, यस, ठीक है। ये मैं ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये पीटीएमपी जो प्रोग्राम है उससे मैंने निकाल करके इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, दिस इज टॉप गेनर टॉप लूजर प्रिडिक्शन मेथड, ओके, ठीक है।
रेंज के ऊपर ओपन होता है। इट इज कॉल्ड, मतलब मैंने जो नाम रखा है, कभी किताब लिखूंगा तो ये सब नाम रखूंगा उनमें, तो दिस इज टॉप गेनर टॉप लूजर प्रिडिक्शन मेथड, कि अगर किसी दिन पे मुझे टॉप गेनर को या फिर टॉप लूजर को प्रिडिक्ट करना है कि क्या हो सकता है, आज कौन टॉप गेनर हो सकता है, आज कौन टॉप लूजर हो सकता है, तो इस तरीके के मेथड्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, तो काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, राइट? वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, वीकली ब्रेकआउट होना चाहिए, डिलीवरी ब्रेकआउट होना चाहिए, रेंजेस के ऊपर होना चाहिए, राइट? एक सपोर्ट का फॉर्मेशन इंडिकेट होना चाहिए, की लेवल्स जिसपे कि आपके जो अंडरराइटर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वैसा लेवल होना चाहिए। तो कितनी सारी चीजों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, राइट? तो अब अगर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ आपस में क्लब करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। अब इस तरीके के अगर मैं सिर्फ दो तीन चार ट्रेड्स कर लूं हफ्ते में, राइट? और कैश मार्केट में तो करूंगा नहीं, फ्यूचर्स में करूंगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? 1% मूव ऑन फ्यूचर्स इज अप्रोक्सीमेटली 35-40% रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका रिस्क बढ़ता है मार्केट में तो आपका जो प्रोसीजर्स है उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। डू यू एग्री? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट डाइवर्सिफिकेशन। ऑलराइट, दूसरी चीज, मान लो सॉरी मान लो कि कोई स्टॉक बुलिश है, बुलिश है मतलब कि अप ट्रेंड में है, और ऐसा होता है तो ये एक की लेवल है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ओके, एक्स। तो हम उम्मीद करेंगे ना कि ये यहां से शायद ऊपर जाएगा, राइट? मान लो चला भी गया, फिर ये मूव किया, मूव करके फिर कोई मान लो एक स्ट्राइक प्राइस है वाई, ऐसे आया। द ओनली थिंग इज कि वाई जो है वो एक्स के ऊपर है। अगर यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है तो इज इट ऑल्सो कंफर्मिंग कि इट इज इन अप ट्रेंड? यस, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक और मूव आना चाहिए। अब मान लो अगला लेवल इज जेड, ऐसे होता है, ठीक है? ये मैं सिंपल आजू बाजू में बना रहा हूं, जरूरी नहीं है आजू बाजू बनेंगे, 3 दिन के बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है, राइट? साइडवेज हो जाएगा, जैसे हीरो मोटोकॉर्प कितने दिनों से अटका पड़ा था, है ना? तो मान लो 4 दिन के बाद भी हो सकता है, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते, 15 दिन के बाद भी हो सकता है, ऐसा हो गया तो हम एक एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना कि शायद ऐसा मूव हो, राइट? अब मान लो इसी वाले लेवल पे गिर जाता है, फिर ओके, इस लेवल को, एक्स लेवल को भी तोड़ जाता है और वाई लेवल से ऊपर जाता है, ओके? आपको लगता है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है ऊपर, इस वाली जगह पे, करेक्ट, राइट? अब मान लीजिए वापस ऐसा हो जाता है, ये जो दो का कॉम्बिनेशन है क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये एक्स को ब्रेक कर सकता है?
राइट right? फिर फर्दर ऐसा कर सकता है। इसी तरह से स्टॉक्स मूव करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होगा ना, ऐसा भी तो होता है ना स्टॉक्स में, है ना। यहां से यहां तक ऊपर बढ़ा, फिर साइडवेज हो गया, फिर एक बड़ा मूव आ गया नीचे की तरफ, बहुत बार होता है राइट। करेक्शंस तो होते ही हैं। अभी जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा एचसीएल टेक का, एचसीएल टेक कितना गिरा था ना जब ये ड्राइंग बनाया था, कितना गिरा नहीं, 120-30 रुपया गिर गया, फिर 120-30 रुपया वापस चढ़ गया। मेक सेंस? यस और नो? यस। तो ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो रिटर्न जर्नी कर देता है तो आपको कॉशियस हो जाना है राइट। अगर ऊपर के लेवल्स खुले पड़े हैं, मतलब कोई रीसेंट रेजिस्टेंस नहीं है राइट, तो श्योरिटी ज्यादा है ना कि खुला मैदान है, दौड़ के जा सकता है, कोई हर्डल नहीं है बीच में राइट। ये जो लेवल था इसके ऊपर का, एक 205 के ऊपर का 210 का लेवल था, ये अनछुआ था ना, छुआ हुआ नहीं था राइट। एम आई करेक्ट? इससे पहले अगर मैं एक 210 पे लाइन ड्रॉ कर दूं, इट वाज अनटच्ड, देखो अनटच्ड था ना, इसका रेलेवेंस ज्यादा था। ओके अब अगर मान लीजिए कि 210 तक गिरता है ये यहां पे राइट, और उसके बाद ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो 215 पे अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, थोड़ा सा रेलेवेंस कम नहीं हो जाएगा उसका, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ा है। ये देखिए ना, ऑलरेडी ये इसके ऊपर जा चुका है, अनछुआ नहीं है, खुला मैदान नहीं है। एम आई राइट? ये सुनो, मान लो कि यहां से नीचे गिर जाता है, मान लीजिए 215 से ये ड्रॉप करता है नीचे राइट, और 210 का लेवल है ना इसके नीचे का, ओके ये यहां से जब ड्रॉप करता है तो लेट्स अज्यूम कि ऐसे आ जाता है नीचे, तो आपको लगता नहीं कि जब 210 के नीचे आया, अगर उसके बाद ये उल्टा घूमता भी है, तो 215 पे एक रेजिस्टेंस भी पड़ा हुआ है? यस सुनो, यस सर, ठीक है, तो उसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके लिए। अगर खुला मैदान हो तो उसको चढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये देखिए जो प्रीवियस लेवल्स है ये कब के हैं, 2018 के हैं, है ना। तो जितनी चीज पुरानी होती जाएगी उतना चार्ट से बाहर जाती जाएगी ना, ओके तो इस वजह से इन सब चीजों का, मतलब जो बेसिक आप लोग ध्यान रखते हैं फंडामेंटल्स का, वो भी आपको रखना है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड इंप्रूव योर ट्रेडिंग टेक्निक्स फर्दर, ठीक है, उसको फ्यूल करना चाहिए। और स्पेशली जब आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करना शुरू करेंगे, मतलब जो ट्रेड आज आप कर रहे हो उसी का फ्यूचर्स में लगाओगे, फर्क उसमें इतना है कि उसमें रिस्क बढ़ जाता है राइट। तो इसी वजह से कहते हैं कि पहले अच्छे से कैश मार्केट में प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें क्वांटिटी जो है वो आप वेरिएबल रख सकते हो, जैसे आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके शीट के हिसाब से, अगर 512 की क्वांटिटी बनती है तो आप 512 खरीद सकते हो। पर जब आप फ्यूचर्स में काम करोगे तो अगर उसमें 1031 का लॉट साइज है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा 1031, या सेल करना ही पड़ेगा 1031, यू डोंट हैव अ चॉइस राइट। तो देन यू नीड अ ग्रेटर स्किल टू मैनेज योर रिस्क, इस वजह से पहले कैश मार्केट प्रैक्टिस करो, फिर इसी ट्रेड को आप कैश मार्केट के बजाय फ्यूचर्स मार्केट में कर सकते हैं। और जब आप फ्यूचर्स मार्केट में करेंगे तो जो ट्रेड आज की डेट में आपको शायद 20% रिटर्न ऑन कैपिटल देता है,
वो ऑटोमेटिकली आपको 37% टू 40% रिटर्न ऑन कैपिटल देने लगेगा। सर ये जो 40% आप बताते हो, मतलब वो किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हो सर? वो आपका जो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो ना, उसका लेवरेज ज्यादा होता है। यस सर। ठीक है, अभी मान लो कि आपको आपका ब्रोकर 15 से 20 गुना का लेवरेज दे रहा है, राइट सर। पर वही ब्रोकर जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो 35 से 55 का देने लगेगा, टाइम्स का लेवरेज देने लगेगा। यस। मतलब क्लास ए वाले जो होंगे, मतलब जो ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं या 30 जो टॉप या टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं, उसमें 55% का भी आपको मतलब टाइम्स का भी आपको लेवरेज मिलता है। तो सर उसमें जैसे मारुति है, तो मारुति में करीब करीब 1.5 लाख का जो मार्जिन वो दिखाते हैं। नहीं, आप तो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप तो ब्रैकेट ऑर्डर ही लगाओगे ना तब भी। अच्छा अच्छा, बराबर। तो ब्रैकेट ऑर्डर तो वैसे ही सब्सिडाइज्ड होता है ना, जहां आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ब्रोकर का झंझट खत्म हो गया, उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रोकर आपको ब्रैकेट ऑर्डर में ज्यादा लेवरेज क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया तो उसका झंझट खत्म हो गया ना, राइट है। उसको आपके अकाउंट को मॉनिटरिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर फ्यूचर में एक चीज ऐसा भी हो, मतलब जो मैंने मतलब सुना है और कभी कभी चार्ट पे भी दिखता है कि कैश में हम जो प्रिडिक्शन लेवल का करते हैं और फ्यूचर में वही चार्ट को अगर देखते हैं तो बीच में जो प्राइस ड्रॉप होता है वो कभी कभी बढ़ जाता है, फिर कभी कभी कम हो जाता है। हाँ, तो वो आपको कैंडल्स पे करना है। वो मैं आपको जो कंसोलिडेटेड क्लास में डालूंगा ना, जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई से मैं आपको एक एक जो कंसोलिडेटेड क्लास है, हफ्ते में एक दिन होता है, उसमें मैं पुट करूंगा, उसमें ये सारे डिस्कशंस करता हूं मैं। ओके ओके, ठीक है। उसमें आते रहोगे तो बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे आप, अपने आप ऐसे ही सीख जाएंगे। वो कंटेंट पे बेस्ड नहीं होता, वो उस पे होता है, क्या बोलते हैं, जरूरत पे होता है, राइट। अभी देखिए ये क्रूड ऑयल का कितना भाव चल रहा है यहाँ, 4,442। और मैंने परसों जो आपको लेवल बताया था वो कितने का बताया था? 45 के आसपास बताया था, 4,450। हाँ यस सर। देख रहे हो आप, वही पे है ना, वो 76 का हाई भी है ना सर आज, 4,476। वो तो ओके है ना, हाई तो बनाएगा ही ना। यस सर। ये इसका इन्वेंट्री डे है, राइट? आप देख रहे हो साइडवेज है पूरा। यस सर। ये देखिए कल ये गिरा, राइट? तो ये जब गिरा तो जो लेवल 4,450 का था, ये मैंने परसों बोला भी था आपको कि साइडवेज है, नहीं तो क्या होता, उठा पटक शुरू हो जाती हमारा जो इक्विटी मार्केट है ना, उसके वो जो आपका बीपीसीएल, आईओसी और उन सब में, राइट? तो 4,450 का लेवल इसके बीच में, करेक्ट? आप देखो 4,450 के ऊपर गया, टिक ही नहीं पाया, नीचे आ गया। एग्जैक्टली ये वाला एरिया देख रहे हो आप? यस सर। ठीक है, 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली है तो बुलिश ना, पुश तो करने की कोशिश करेगा, पर साइडवेज है इसका नेचर अभी, मतलब ऊपर बायर नहीं है, बायर नीचे मूव कर गया है। प्राइस कब बढ़ता है? जब बायर ऊपर चला जाता है, राइट? ओके। इसमें बायर नीचे पड़ा हुआ है, इसमें उल्टा सिचुएशन हो गया। साइडवेज का मतलब ये होता है कि बायर जब नीचे चला जाता है साइडवेज हो जाता है, और सेलर जब ऊपर चला जाता है तो साइडवेज हो जाता है। पर अगर सेलर नीचे हो और बायर ऊपर हो तभी प्राइस मूव करता है। अगर सेलर नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, तो इसका मतलब गिरेगा बहुत तेज। और अगर बायर नीचे के बजाय ऊपर होगा तो मतलब चढ़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? तो अभी जब इसने ऐसे करके गिरा तो 4,450 पे हमें एक कंफर्मेशन दिया इसने कि अच्छा 4,450 पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, राइट? अब अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है इस 4,450 में, तो इसका मतलब है कि इस लेवल को कंटिन्यू करके 4,250 पे जाना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम है 4,250 में पिछला इन्वेंट्री का माल मसाला पड़ा हुआ है,
ये देख रहे हो 42-47, 43-47, तो 43-50 सीम्स टू बी एन अल्टीमेट टारगेट, अदरवाइज क्या होगा, या तो ये बुलिश हो जाए तो जा सकता है ऊपर, या फिर अब अगले इन्वेंट्री का वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि इस इन्वेंट्री का डेटा यहां पड़ा है ना, अगली इन्वेंट्री का डेटा जो आएगा वो इसके नीचे होगा, इस लेवल के नीचे, फिर जाकर के ये बियरिश हो सकता है। गॉट इट? ओके सर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है इसमें, क्योंकि काफी लंबा है ना, अहमदाबाद में बताया था ना 1200 पॉइंट से 1400 पॉइंट साल का निकलता है। तो सर ये आपने जो बताया 4450 वाला जो लेवल, वो सर वो कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं हम? कुछ नहीं, ये देखो ना, यहाँ पे इन्वेंटरी निकला था। यस सर। ओपन कितना है? 4445। यस सर। ठीक है, 4445 के या तो ये सटाक ऊपर जाता और 4500 का ऊपर हिट करता, या फिर 44 को नीचे हिट करता, पर इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हम समझ ही गए थे इक्विटीज में देख के, क्योंकि इस इन्वेंटरी के आने से पहले ना आईओसी बीपीसीएल वगैरह या तो टॉप गेनर बन जाते या लूजर। ओके सर, कोई नहीं बना इस हफ्ते में। अगर आप डेटा देखोगे तो ट्यूजडे वेडनेसडे में कोई मूवमेंट ही नहीं थी उनमें, मतलब स्टैक पर्सपेक्टिव से कोई मूवमेंट नहीं था। अगर स्टैक पर्सपेक्टिव से कोई मूवमेंट नहीं था तो इसका मतलब साइडवेज बता रहा है मुझे, क्योंकि उनको जो नॉलेज होगी ना वो मुझसे ज्यादा होगी। राइट सर, ठीक है। मैं एक 10x10 के ऑफिस में बैठ करके काम करता हूँ, राइट, और उनका जो विजिबिलिटी है वो मुझसे पता नहीं कितने लाख गुना ज्यादा है, राइट। तो मैं तो उनको सही मानता हूँ, अपने आप को गलत मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशंस साइडवेज के थे, फिर ये ऊपर टूटा, 4400 तक नहीं गया, ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया मतलब 4500 को इसने रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट कन्वर्ट कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगले दिन का ट्रेडिंग 4450 के ऊपर होना चाहिए। राइट right. ये देखिए इसका क्लोजिंग जो है ये 4400 के भी नीचे चला गया। यस सर, विच इज टेलिंग मी इट इज नॉट ऑनरिंग दिस एज अ सपोर्ट, रादर इट इज कंफर्मिंग मी दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस। राइट ओके अब अगर इसको सपोर्ट बनना होता तो ये क्या करता, ये जो लाइन ऊपर मैंने खींचा है ना, ये इसके ऊपर जाता पहले। ओके इसके ऊपर जाकर के यहां आकर के सपोर्ट बांध करके इस वाली जगह पे क्लोज हो जाता। अभी भी हो सकता है, अभी भी टाइम है इसके पास, पर यहां पे ऐसा एक पैटर्न डेवलप होता इस टाइप से। उस पैटर्न के डेवलप होने के बाद 4500 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मुझे समझ में आ जाता, अच्छा ठीक है इसमें बायर ऊपर चला गया है, अभी बायर नीचे पड़ा हुआ है। अब अगर बायर नीचे पड़ा हुआ है तो इसको शॉर्ट करना भी खतरनाक है। ओके ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना।
सॉरी फ्रेंड्स, हाँ तो हेलो सर, तो इट इज मोर टू डू विद द स्ट्रक्चर देन टू डू विद द टेक्निकल्स. टेक्निकल्स तब अप्लाई करेंगे जब स्ट्रक्चर, मतलब जो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल जब समझ में आ जाएगा. जैसे ही फंडामेंटल समझ में आ जाएगा फिर टेक्निकल अप्लाई करके कर देंगे उसका काम. ओके सर, ठीक है ना. हाँ बोलो डेनिस. हेलो सर, मेरा मेरा 3% लगा देना. हाँ सर, अभी ले क्या करना है? हाँ 3% दो ट्रेड हुआ मेरा. 3 लगा दूँ अभी मैं? हाँ 3 लगा दूँ. 4.5 के बाद शायद 3% है. तो 7 कर देता हूँ उसको. ये आपका 7×10 70 तो नहीं है कहीं? मतलब सर, चलो कोई बात नहीं छोड़. 10 times लीवरेज नो सर. ये 10 times में है ना? हाँ जी 10 times. ये 70 होगा ना, 7 थोड़ी होगा. ओके ओके ओके, 7 एब्सोल्यूट में होगा, पर जो आपको कैश में फर्क पड़ा है वो 70% का पड़ा होगा. यस सर, थैंक यू सर. और एक सवाल था मेरा, आप जो टेक्निकल्स जो आप सिखाते हो वो करेंसी या यूरो यूएसडी में भी सेम एप्लीकेशन का काम कर सकता है? नहीं, उनके फंडामेंटल्स अलग है ना. ओके, तो हाउ डज इट डिफर विद दोस प्राइस लेवल्स एंड फंडामेंटल्स अलग हैं. अभी जैसे मैंने आपको क्रूड में एक जिस्ट दिया ना, अभी जैसे क्रूड सर, मैंने अभी अभी लिया, सॉरी फॉर, कोई बात नहीं. तो क्रूड में जैसे मैंने एक जिस दिया, उसका फंडामेंटल आपने सुना ना कि किस टाइप का है, तो उसी तरह से यूरो आईएनआर, यूएसडी आईएनआर का भी एक अपना फंडामेंटल है. तो उसमें टेक्निकल्स वेरी नहीं करते, टेक्निकल्स वही रहते हैं. टेक्निकल्स डोंट डिफर, द फंडामेंटल विल चेंज. यूरो यूएसडी इज नॉट येट अलाउड इन इंडिया नो सर. नहीं अभी अभी तक अलाउड नहीं किया है. आपको जो इसमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जो दिख रहे हैं यूएसडी आईएनआर, ठीक है, जापानीज आईएनआर, जीबी मतलब आपका जो पाउंड आईएनआर और यूरो आईएनआर, अभी फिलहाल ये अलाउड है आपको, ठीक है. और सर फ्यूचर्स में ट्रेड करना करते हुए कोई भी करता है तो उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका आप प्रॉपर तरह से मनी को मैनेज. आप टाइम पे आओगे तो आपको बहुत कुछ पता रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है. ओके ओके, आई विल वॉच द वीडियो. ओके सर. हेलो सर. हाँ जी सर, टाटा स्टील को अभी मैं वॉच कर रहा था जो मंथली ब्रेकआउट पे है, 550 से. यस सर, तो उसका जो कॉल है जो आपने बोला था वो हिसाब से मैं उसको वॉच कर रहा हूँ. तो सर अभी भी थोड़ा महंगा है, मतलब अभी क्या होगा कि मंडे को खुलेगा ना, अभी फ्राइडे है ना, अगले हफ्ते वैसे भी थोड़ा ट्रेडिंग डेज भी कम है. तो यस सर, अभी क्या जो सिचुएशन है वो ये है कि अपने को 3 रुपए के आसपास का मिलना चाहिए. वो नहीं, वो सर थोड़ा आप एक बार बता दोगे कि मतलब उसको किस तरह से वॉच करना है, मतलब कौन से प्राइस का और कैसे उसको अपने को प्राइस कैलकुलेशन कैसे देखना है वो कॉल के प्राइस. देखो हम हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत चिंता होती है, राइट राइट. तो प्रॉफिटेबिलिटी तब निकलती है जब आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज हेल्दी होते हैं, राइट. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज आपके कब हेल्दी होंगे? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज आपके तब हेल्दी होंगे जब क्या बोलते हैं आपका जो ये है कॉल या पुट का जो वैल्यू है वो उसमें जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है वो 3-4% की होती है. अब अगर ये रफली 500 रुपए का है ना, तो मेरे दिमाग में ये घूमता है कि ये 15-20 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं हो सकता कोई भी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है. 15-20 रुपया तक अगर चाहे कॉल बढ़े चाहे पुट बढ़े, पर 15-20 रुपए के रेंज में रहेगा ये, विच मीन्स 3-4% वॉलिटिलिटी, राइट. ओके, अब अगर 3-4% की वॉलिटिलिटी है तो मतलब 15-20 रुपए पे अगर मुझे पैसा, मतलब अगर मुझे डबल ट्रिपल करना है तो मुझे एंट्री को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, राइट. अब बनाने को तो मैं 10 रुपए पे खरीद लूं, अब 10 रुपए पे खरीद लूं, मुझे पता है अगर मैक्सिमम भी चला गया तो 15 या 20, उससे ज्यादा नहीं. पर उसी को अगर मैं स्मार्टली 2 रुपए पे बना सकूं,
तो 10 पे भी चला गया तो भी 15 फाइव टाइम्स हो जाएगा ना. यस सर, गेटिंग माय पॉइंट. तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है कि हम ट्रेड नहीं भी लेते किसी में, क्योंकि वो इतना महंगा चल रहा होता है कि उसमें मतलब आप कई बार देखोगे ना कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, पर स्ट्राइक में मतलब आपका जो कॉल प्राइस है उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इतना महंगा खरीद लिया था, 3% वॉलेटिलिटी पे खरीद लिया था. अब मान लो किसी ने इसको ₹15 पे खरीद लिया अगर 550 को, तो वो जिंदगी भर भी बैठा रहेगा तो ₹15 नहीं मिलेगा उसे. सर ये 550 जो हमने प्राइस निकाला, मतलब वही वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को वॉच करना है, वही थोड़ा पूछना. ये देखिए, ये 550 पे है ना, 560 को इसने टच नहीं किया, 550 से ये सेल ऑफ हुआ है, राइट सर, ठीक है, 560 को इसने टच नहीं किया है. अगर यहाँ पे एक बारी इसमें चले जाओ, तो इसमें आपको ये 10-10 रुपए के दिख रहे हैं. यस सर. तो इसका मतलब है कि 550 के नीचे 540. यस सर. ठीक है, अब आपको एक प्रॉब्लम नहीं लग रही यहां पे कि ये 550 के ऊपर गया है, बेशक 560 को इसने टच नहीं किया, पर 560 से बिकते हुए ये 540 के नीचे आ गया है. यस सर. ठीक है, अगर ये 540 के नीचे आ गया और यहां पे भी सपोर्ट बना देता है, मान लो अगर मना भी देता है मान लो, तो ये मेरे दिमाग में ये चलेगा कि ये मार्जिनली शायद 550 को ब्रेक करेगा, 555 या 60 तक चल टच करके वापस आ जाएगा, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि 550 के ऊपर का जो हेडरूम है इसके पास, ये 2-3 रुपए से ज्यादा का तो है नहीं. राइट, चला जाए तो चला जाए, वो बात की बात है, ठीक है, पर मेरे को आज की स्थिति को एनालाइज करके ये लग रहा है ना कि अगर ये ऊपर जाता भी है 550 पे वापस, मान लो 540 पे ये सपोर्ट बना करके 550 की तरफ चला जाता है, उसके ऊपर 2-3 रुपया 5 रुपया चला जाएगा. अब अगर मुझे कॉल पे पैसा बनाना है तो ये कितना बढ़ेगा, 2-3 रुपया ही बढ़ेगा ना ऊपर, थोड़ा सा इसमें वो लगा लो प्रीमियम 8 आने 4 आने का. तो मेरे को जो पोजीशन डेवलप करना है वो बहुत स्मार्टली करना है, अगर करना है तो, है ना, क्योंकि इसमें मुझे यहां पे भी और यहां पे दोनों जगहों पे वो दिख रहा है. तो इसमें मॉनिटरिंग आप 560 के कॉल प्राइस का करेंगे, राइट. वो सर, वो प्राइस में आपने जो दिखाया था ना कि ये हायर हाई और हायर लो बनाता है, उस पे सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. वो एक रिपोर्ट था ना एनएससी का, उसके ऊपर सर, क्योंकि अभी ये सर जो टाटा स्टील है वो वीकली के इंपोर्टेंट कैंडल के हाई पे 2 दिन से सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, राइट, क्योंकि 540 का लेवल है वो जिसको उसने ब्रेक किया था. यस सर. ठीक है, तो वो कर तो सही रहा है. मान लो, सॉरी, ये स्टॉक ऑप्शन टाटा स्टील, ठीक है, अब मान लो 2019 और इस महीने का एक्सपायरी देख रहे हैं, ठीक है, कॉल साइड पे देख रहे हैं, तो स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं मान लो 560 का, ठीक है, तो अगर 560 का देख रहे हैं तो 550 पे रेजिस्टेंस जो कंफर्म हुआ वो 8 तारीख से हुआ, राइट, तो 8 तारीख 17 रुपए, 12 रुपए, ये 14 रुपए गया, फिर 8 और ये 6, ठीक है, अब देखो 3 रुपए 75 पैसे पे आया ना ये. यस. ठीक है, अब 560 का है ना, तो अपना जो बाइंग लेवल है वो 3 रुपए के आसपास का ही, मतलब आधे परसेंट पे अपने को वो है, राइट. अभी ये प्राइस 540 के ऊपर नहीं गया है. यस, है ना, अभी एग्जैक्टली इसके नीचे का लेवल कौन सा है, 530. आज मैं भी देख रहा था इसको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 530 अगर टच कर जाए और वापस आ जाए, 530 भी टच नहीं किया इसने, राइट सर, बीच में.
या तो ये गिरे 530 के नीचे जाए और ऊपर आ जाए और क्लोज हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो फिर भी लगेगा ना कि चलो यार कुछ सपोर्ट ओवर्ड बन गया शायद, है ना? समझ में आ रहा है? मान लो अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस है आपका यहां पे है और किसी दिन पे ओपनिंग यहां होती है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके अगर ऐसे चला जाता है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो रहा था, राइट? अगर इस टाइप से हो जाता है तो फिर भी लगेगा ना कि हाँ चलो सपोर्ट बन गया यहां पे, राइट? अगर सपोर्ट बन गया तो फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि 550 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि वही उसका रेजिस्टेंस है इस समय, है ना? तो राइट सर, या तो ये 540 के ऊपर अब क्लोज करे वॉल्यूम बढ़ा के या जो भी है, या फिर ये 530 के नीचे जाकर के ऊपर है। तो वन इज द कैश मार्केट मॉनिटरिंग, टू इज द स्ट्राइक प्राइस मॉनिटरिंग, ठीक है? इसलिए मैंने बोला था ना कि हम करेंगे ये, पर हमें पूरा महीना लगेगा, क्योंकि हम एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स को ले लेके करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल में दिखा दूंगा तो आपको लाइव वाला मजा नहीं आएगा। समझ गया। हाँ, जब हम इंट्राडे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें माइंड में रखते हुए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माइंड में रखते हुए वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आज अपना रिस्क रिवॉर्ड काफी मतलब अच्छा नहीं है? वो तो आपको पता होना चाहिए ना, टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हो। अब जैसे ये टाटा स्टील का ट्रेड है, अगर मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा टारगेट कहाँ होगा? 550 ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कम रहेगा थोड़ा वहां तक जाने का, मतलब जो भी है, पर मेरा अल्टीमेट यहीं से सेल ऑफ होके आया है ना, तो 550 का रहेगा। अब मान लो कि मेरा एंट्री बन रहा है 535 पे, राइट? तो 535 से 550 कितना है? 15 रुपए आया ना, ये सुन लो। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अगर 15 रुपए है डिवाइड बाई, अगर मान लो मैं 4 कर लेता हूँ, तो 3.75 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ मैं 1:4 के रेशो में, ठीक है? तो 3.75 रुपए मेरे दिमाग में चलेगा कि इससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता मैं। ओके, अब मान लो, अब मैं जब ट्रेड को एनालाइज करूंगा तो एक्चुअल स्टॉप लॉस भी तो मुझे पता लगेगा कि इस लो के नीचे लगाना है। अब वो मान लो मेरा 2 रुपए का बनता है, तो 2:15 हो गया ना ये। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मैं 2 रुपए के स्टॉप लॉस पे खेल रहा हूं और मुझे 10 रुपया भी मिल जाता है तो भी तो 1:5 मिल जाएगा मुझे, और यहां तो मैं एक्चुअली कोशिश 1:7 की कर रहा हूं। ये सुन लो, 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए का प्रॉफिट। मान लो 15 रुपए पूरा भी नहीं मिला, 12 ही रुपया मिला, तो भी तो 1:6। मेक सेंस और नॉट? ठीक है। तो अब मेरे को अगर कैश मार्केट पोजीशन अगर डेवलप करना है, राइट, तो मैं आप लोगों को एक शीट दिया था ना, जैसे कहाँ गया, बंद कर दिया मैंने, ये कैलकुलेटर शीट दिया था ना आपको, ठीक है? अब मान लो डिजायर्ड मेरा आ रहा है 2 रुपया, ठीक है? डिजायर्ड मेरा एसएल पॉइंट आ रहा है 2 रुपए का, ठीक है? मान लो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल मान लो 50,000 है, ठीक है? और डीलेवरेजिंग 1 है, लेवरेज मेरा मान लीजिए 15 times है, ठीक है? तो इसके हिसाब से, ये 2 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से मेरा जो क्वांटिटी होगा वो इतने का रहेगा। मान लो कि एंट्री प्राइस 535, राइट? अगर मेरा 535 का है तो मैं ये 1402 का नहीं लगाऊंगा, मैं एक्चुअली 1875 का लूंगा जो मैं करूंगा कैश मार्केट में, क्योंकि मेरा, मैं अपने एक्चुअल स्टॉप लॉस के ऊपर पोजीशन को कैलकुलेट करूंगा। मेरी परमिसेबल लिमिट 3.75 रुपए की है ना? तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा
वो 1402 नहीं आएगा, मेरा कैलकुलेशन जो आएगा वो मेरा 1875 आएगा। मैं 1875 की क्वांटिटी लेकर के इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है? गॉट इट? बट सर व्हाई ऑन एक्चुअल सर, डिजायर्ड तो काफी ज्यादा हो जाएगा ना, तो फंड मैनेजमेंट के हिसाब से डिजायर्ड तो कम है ना, मेरे मेरे केस में तो कम होगा ना। ओके 1402 आपका एसएल 0.2.7 का बन रहा है, मेरा डिजायर्ड 2 रुपए का आ रहा है, बराबर मेरा तो कम आ रहा है, ठीक है? अब क्योंकि मेरे को समय हो गया है, मेरे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए काम करने के लिए वो बिल्ड हो रहा है, राइट? ऑलरेडी आई हैव स्पेंड से अबाउट 10 इयर्स, आई एम एडिंग एवरी डे, आई एम एडिंग 1 more day, राइट? तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं ना, ये 70 पैसे का रिस्क मैं ले सकता हूं, तो मैं 1400 पे नहीं करूंगा एग्जीक्यूट, मैं 1875 पे कर दूंगा, क्योंकि मैं तो अपने डिजायर्ड एसएल पॉइंट को और छोटा लेके आया हूं, निकाला हूं 2 रुपए पे निकाला हूं, तो मैं 2 रुपए 70 पैसे का क्वांटिटी क्यों करूं, मैं 2 रुपए का ही क्वांटिटी करूंगा, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट? और मेरा तो रिस्क वैसे भी कम है, यहां तो बल्कि 2 रुपए 70 पैसा था, यहां तो मेरा तो रिस्क 2 रुपए का है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लो अगर मुझे इस पे मेरा क्वांटिटी आ रहा है इतने का, अगर मुझे 10 रुपया भी मिलता है इसमें, मेरा तो 15 रुपए का टारगेट है ना, मुझे मान लो 10 ही रुपया मिला, तो मुझे 18,750 रुपया मिलेगा। इससे अगर करता तो मुझे 14,020 रुपया मिलता, यस और नो? इस क्वांटिटी को 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो 14,020 रुपया मिलता मुझे, इसमें मुझे 18,075 रुपये मिलेगा, करेक्ट? इसमें मेरा स्टॉप लॉस, अगर मेरा लॉस हो जाए तो 3,750 होता, और इसमें अगर मेरा लॉस हो जाए तो 3,750 ही होगा ना, राइट? पर अगर मुझे इसमें 10 रुपया मिल जाए इस वाले में, तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो x10, इसमें अगर मुझे 10 रुपया मिल जाए तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा x10, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये 4,000 रुपये ज्यादा है ना, 4,750 रुपये ज्यादा है ना, ये लॉस इज फिक्स फॉर मी, प्रॉफिट इज मोर, यही मैंने बोला था ना आपको, कम एक्सपोजर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, एक्सपोजर को मैंने बढ़ने नहीं दिया, एक्सपोजर उतने का उतना ही है, लॉस को भी मैंने बढ़ने नहीं दिया, लॉस अगर मेरा हो जाता है तो उतना ही जाएगा, ठीक है? पर अगर मेरे को आ गया तो 14 नहीं आएगा, 18,750 आएगा, तो इसमें ट्रेडिंग का डर नहीं है, देयर इज नो फियर इन ट्रेडिंग, ठीक है? और ये मैंने 10 रुपए से कैलकुलेट किया, अगर मेरा टारगेट ही हिट हो गया 15 रुपए का, तो उस पर भी मार्जिनल फर्क पड़ेगा ना मुझे, तो मुझे इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। अब आप ये देखो कि अगर इसका और इसका मैं डिफरेंस ले लेता हूं, सिर्फ दिस माइनस दिस, ठीक है? तो ये अमाउंट कितना है, 4,731 है ना, आया ना? सो गए सब? यस सर। ओके, अब ये 4,700 जो 31 है, इज इट ग्रेटर देन 3,750? मच ग्रेटर, है ना? मतलब ये हुआ कि मेरा जो सिर्फ डिफरेंशियल डिफरेंशियल है वो मेरे आने वाले एक ट्रेड के स्टॉप लॉस को कवर कर देगा। Agreed? Right? मैं अगर मेरा ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल होता है, जो मैं अब अगला ट्रेड करूंगा जो भी करूंगा फ्यूचर में, मेरा उसमें भी तो स्टॉप लॉस लगेगा, राइट? मेरा उस स्टॉप लॉस को ये सिर्फ डिफरेंशियल जो होगा वही कवर कर देगा,
मुझे उसके लिए अलग से स्टॉप लॉस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो बता रहे कैश के लिए बता रहे हैं ना सर? हाँ कैश के ही बता रहा हूँ। ओके, और फ्यूचर्स में अगर होता तो आप कैश तो कर लो यार, आप सबसे पीछे हो। है ना, मोटर्स 5 मिनट का चार्ट है। आपका ट्रेड से 5 है इस समय, राइट? ओके, बोलो अभिषेक। हेलो सर, टाटा मोटर्स 5 मिनट लो 10th अप्रैल। सर जो फर्स्ट कैंडल के बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो रेड कैंडल बना है ये वाला ना, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से वहां पे फर्स्ट और सेकंड कैंडल रेजिस्टेंस कंसीडर हो सकता है? यहां पे रेजिस्टेंस कंसीडर हो सकता है कि नहीं, ये सवाल है? हाँ सर। हाँ, उसके लिए उससे पहले दो ग्रीन कैंडल होना चाहिए ना मिनिमम, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ा हुआ होना चाहिए ना, यहाँ पे एक ही कैंडल दिख रहा है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे कंटिन्यूअसली दो या दो से ज्यादा होना चाहिए ना सर, वो पिछले दिन का ग्रीन कैंडल रहता तो ओके। नहीं छोड़ दीजिए, मतलब डोंट टेक दैट, क्योंकि कनेक्शन है ना बीच के अंदर। ओके सर, पिछले दिन का अगर सिग्निफिकेंट लेवल वगैरह से कर रहे हो वो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट गेम। सर वो टाटा स्टील में आप वो बता रहे थे ना क्या? एनएससी पे वो जो प्राइस डाउन हो रही है ना स्ट्राइक प्राइस के। हाँ, तो यहाँ पे ये डाउन हो रहा है ना 560 से, ये अब गिर रहा है ना नीचे, राइट? यस सर। और जब ये गिर रहा है आप देख रहे हो ये 4 रुपए पे क्लोज हुआ है और इसका लो 4 रुपए 65 पैसे है, राइट? राइट। तो इस पे जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो इसमें आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अगर कुछ होगा ना ऐसा तो एक तो मुझे कैश मार्केट के चार्ट पे दिखेगा कुछ। यस सर, कैश मार्केट के चार्ट पे दिखेगा कि या तो ये 530 के नीचे जाकर के उठा है या फिर ये 540 के ऊपर जाके क्लोज हुआ, राइट सर? कैश मार्केट एक इंडिकेशन देगा आपको, राइट? Yes, और आपको फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में यहाँ पे दिखेगा कि ये 375 है ना, कल का जो क्लोजिंग होगा वो मान लो तीन, अगर तो 530 के नीचे जाकर के ऊपर आता है तो आप देखोगे कि इससे डीपर लो बनेगा, मान लो 2 रुपए का 60 पैसे का लो बना, 2 रुपया 60 पैसे का लो, पर जो क्लोज कर रहा है वो 3 रुपए 75 पैसे के ऊपर कर रहा है, राइट सर? तो इसका मतलब एक सपोर्ट का फॉर्मेशन मोस्ट लाइकली हुआ है 530 पे। ओके सर, तो अगर आप उस पोजीशन को मान लीजिए कि 3 रुपए के आसपास में बना पाए मान लो, और वो अगर सच में किसी दिन पे 550 पे वॉलेटिलिटी बढ़ा दिया तो 3 रुपया बनाया है, 6-1 रुपया तो जा सकता है ना। ओके सर, ठीक है, तो अगर 6-1 रुपया जा सकता है तो मैं सबसे पहले तो अपनी आधी पोजीशन को 5-6 रुपए पे कट कर दूंगा। ओके सर, जिससे कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस मुझे लॉस ना हो, राइट? ठीक है, मान लो मेरे पास 10 लॉट पड़े हैं तो 5 तो मैं निकाल दूंगा सबसे पहले, 5 को जैसे ही निकालूंगा मेरा पैसा डबल हो गया, मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट लगाया है उतना ही मुनाफा मेरे पास आ गया है। तो अब अगर मुझे बाकी के उसमें जीरो भी हो जाता है, मेरा कुछ नहीं भी मिलता है मुझे, जीरो हो जाता है अगर पूरा फुल जीरो, तब भी मैं लॉस में तो नहीं जा सकता ना, राइट सर? इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इनटू लॉस, क्योंकि मैंने जो पैसा लगाया था वो मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, मेरा ब्रेक इवन हो चुका है, ठीक है? अब मैं इसको मॉनिटर करता चलूंगा और मैं ये देखूंगा कि यार हो सकता है कि अगर मान लो कि 560 पे चला गया तो वो तो 10 रुपए चला गया ना ऊपर, तो 505 का वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो गया और 560 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर गया तो एकदम से अचानक से आईवी बढ़ जाएगा, राइट? जब आईवी बढ़ जाएगा तो वो 10 रुपया तो उसका डिस्टेंस है, प्लस हो सकता है उसके ऊपर प्रीमियम 2-3 रुपए का दे देगा, तो मतलब 12 रुपए चला जाएगा, ठीक है? अगर वो 12 रुपए पे मैं एग्जिट कर पाया तो आपको लगता नहीं कि बाकी की क्वांटिटी पे मैंने 4 गुना बुक कर लिया? यस सर, तो मैंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर लिया, और राइट सर, ठीक है? मतलब 3.75 के ऊपर क्लोजिंग आता है
तब हमको वो डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता है कि मंडे को क्या होगा, ये भी हो सकता है कि 375 के नीचे ही क्लोज हो, राइट समझ गया। ठीक है, तो फिर उस वाले लो को ले लूंगा, मान लो 2 रुपए 60 पैसे का लो है, ओके तो नेक्स्ट डे फिर उसको मॉनिटर हाँ करना। फिर उसको मॉनिटर करूंगा। अब मान लो कि उसके अगले दिन लो पे गया ही नहीं, सीधा हाई को तोड़ के क्लोज हो गया, तो वो भी चलेगा मेरे लिए, पर उसके साथ साथ मुझे कैश मार्केट में भी आर्टिफैक्ट मिलेगा, राइट सर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में मैरी होना जरूरी है। ओके सर, ओके मतलब दिस इज टू इंप्रूव योर प्रॉफिट। देखो द थिंग इज नॉट कि 10 ट्रेड करूं, द थिंग इज कि या 2 करूं कायदे का करूं, क्योंकि राइट सर, वो 2 आपको 10 का बेनिफिट देगी, ओके सर, स्ट्रेस भी नहीं होगा आपको, है ना, स्ट्रेस ओके लेवल सर, भी कम होगा, 2 को मैनेज करना 10 को मैनेज करने से आसान है ना, क्योंकि यस सर, 10 में कोई 2-3 तो होंगे जो डूब जाएंगे। हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब हम फेलियर्स देखते हैं, राइट, तो अगर फेलियर को कम कर दो तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा ना आपका, यस सर, मजा आएगा आपको काम करने में, है ना, आपको लगता नहीं है मेरा एक्साइटमेंट लेवल इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा रहता यस सर, है? और ऐसा आज नहीं है, ऐसा पिछले 5 साल से है, राइट, 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, हर बैच में इतना ही एक्साइटमेंट लेवल रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि हर बैच में मेरे को लगता है कि मतलब आई एम एबल टू लर्न समथिंग, राइट, मेरा अपना राइट सर, पर्सनल कैपेबिलिटीज भी तो इंप्रूव होता है ना, तो इट शुड बिकम फन फॉर यू देन। थोड़ा वो माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड ओपन करेंगे, अभी अपनी स्ट्राइक प्राइस ब्रेकआउट होना पड़ेगा, ऊपर जाना है ये वाला, सो माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट बोर्ड, हाँ ये तो रहा, हाँ ये वाला, हाँ ये, हाँ सर, ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो प्राइस को ब्रेकआउट आप बता रहे हैं, जब जिस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया था नीचे साइड में, जिस वॉल्यूम के साथ किया था, उस वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना जरूरी है जब ग्रीन कैंडल बनता है। देखिए जरूरी नहीं है, उसके अगले दिन का एक्टिविटी जरूरी है, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम ब्रेक हो तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपका जो 3 P's होता है ना, प्राइस तो छोड़ दीजिए इसमें, वॉल्यूम या फिर डिलीवरी में से अगर 2 में से कोई एक ब्रेक हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और मिनिमम प्रीवियस डे का हम कंसीडर कर सकते कर सकता, हैं। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा देर वुड बी अ चेंज इन द क्लास दिस थिंग स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगले हफ्ते से, अब तो जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते से आपका क्लासेस जो होगा वो ट्यूसडे थर्सडे को होगा, वील गेट इन टू अ 2 डेज फॉर्मेट नाउ, ठीक है, और आप में से जिनका भी ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 नहीं हुआ है इसको करते रहिए आराम से, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है और ऑब्जर्वेशन करना है जिन चीजों को मैं बता रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का फायदा यह है कि आपको बस शाम को देखना होता है उसको, मतलब आपको लाइव मार्केट में इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हाँ, पर अगर इसके कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग को फर्दर इंप्रूव कर रहे हैं तो यू कैन डू दैट, पर वो भी आपको एक दिन पहले ही मालूम पड़ जाता है, ठीक है, डन, हेलो सर, हाँ जी सर, टाइमिंग यही रहेगी सर, हाँ टाइमिंग सेम रहेगा, बस हम लोग अब ट्यूसडे थर्सडे फॉर्मेट में चले जाएंगे 2 दिन हफ्ते में, और सर 1 मई से आप बोल रहे हैं उसमें भी टाइम यही रहेगा, नहीं उसका टाइम वेरिएबल होता है, वो मेरे टाइम पे डिपेंड करता जी सर, ठीक है, पर वो ठीक चलता सर, रहता है, वो एंडलेस है, मतलब अगले 5 साल तक भी आना चाहते हो आ जाना, कोई टेंशन नहीं है उसमें, उसमें सब आते हैं, ये रवि वबी आज भी आते हैं, जी सर, रवि रिंकू सिद्धार्थ ये सब आपको वहां मिलेंगे, जी सर, ठीक है, सब सर, आते हैं, हेलो सर,
मेरे को ब्लॉक टू में अभी रीच होने के लिए कितना और बनाना पांच पड़ेगा? और पांच सर ऑप्शन के लिए. हेलो सर, ये ऑप्शन के लिए रिस्क मैनेजमेंट कुछ अलग होता है क्या? मतलब नहीं देखो, ऑप्शंस में रिस्क क्या है कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है. हाँ ना, जिस तरह से अभी कैश में हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब उस तरह से वो नहीं कर सकते ना वहाँ पे. हाँ तभी उसका एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा चाहिए ना. हाँ यस सर, तो फिर वहाँ पे अलग रूल हो गए ना फिर रिस्क मैनेजमेंट के. सर नहीं, रूल यही है, पर उसमें हम क्या करते हैं कि हम सब कुछ ट्रेड करते हैं. हमारा ये रहता है कि अगर हम 10 ट्रेड्स करेंगे और उसमें से मेरे 3 ट्रेड्स भी चल गए और 7 भी फेल हो गए, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहां मुझे नुकसान नहीं होगा. ओके ओके ठीक है. पर उसके लिए आपको यू नीड दैट मनी पावर. वो मनी पावर तब आएगी जब आपका कैश मार्केट का काम अच्छा चल रहा होगा. हाँ सर, मैं वही वो मतलब जो क्वांटिटी जो हो रहा है ना, मतलब आप बोल रहे कि 10 क्वांटिटी जब लेंगे, मतलब आप बाय करेंगे, तो उस हिसाब से सर मतलब कितना क्वांटिटी बाय करना चाहिए वो उस टाइप से. क्वांटिटी मतलब लॉट्स होता है उसमें तो. हाँ लॉट सर. हाँ लॉट्स राइट. तो हम रफली ये कंसिडर करते हैं कि हमको एक बाइंग में 5,000 रुपए से ज्यादा का बाइंग नहीं करते हम लोग. ठीक है, तो अगर मुझे मान लो 10 लॉट खरीदना है 50,000 रुपए, अगर मुझे 1 लॉट खरीदना है तो 5,000-1,000 रुपए. अब मान लो कभी कभी क्या होगा, कुछ लॉट्स ऐसे भी होते हैं जब आप बाई करोगे तो वो 2,000 का पड़ेगा, तो आपका तो परमिसेबल लेवल 5,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप वहां पे 2 लॉट खरीद सकते हो. ओके ओके हाँ ओके, उसमें आप 2 में कर सकते हो काम, क्योंकि अगर वो करेक्ट हो गया तो आपको कवर भी करना है ना, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ना. अच्छा ओके सर. चलिए बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट. तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है? टाइमिंग वाइमिंग सब सेम है. गुड नाइट सर. ओके सर, थैंक यू. गुड नाइट सर. गुड नाइट जी. बाय बाय. थैंक यू सर. गुड नाइट. थैंक यू.